फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट टू चैप्टर 13 थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स। सो पहले तो देख लेते हैं टू डायमेंशनल क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ बट नो थिकनेस और नेग्लिजिबल थिकनेस आर कॉल्ड टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। मतलब जैसे अब अपन ने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, रेक्टेंगल स्क्वायर या ट्राइंगल जो भी है, तो उसके क्या था, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ रहता था, लेंथ ब्रेथ या फिर साइड। पर थ्री डायमेंशनल के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मतलब विड एंड थिकनेस आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जिसके मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर तीनों चीज़ रहती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सो जैसे एग्जांपल कंपास बॉक्स बुक, जैसे कि कंपास बॉक्स ये है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एंड कोई भी बुक कबर्ड अलमीरा जो भी है, ये सब होते हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। सो अपने को देखने का है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के अंदर उनका फ्रंट व्यू फ्रॉम द मतलब फ्रंट साइड व्यू, देन फ्रॉम वन साइड, देन फ्रॉम अबाउ, ऐसे तीन व्यूज अपने को देखने के ऑब्जेक्ट्स के। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से दो एग्जाम्पल दिए हैं, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एलिफेंट दिया है, अभी एलिफेंट दिया है, सामने से एलिफेंट अपने को ऐसा दिखेगा, अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो अपने को ऐसा दिखेगा ना, इसका मुंह दिखेगा सामने का। अगर आप इसको साइड से देखेंगे, फ्रॉम वन साइड, एक साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। एंड अगर अपन उसको ऊपर की तरफ से देखेंगे, ऊपर में समझो अपन ने ऊपर में कैमरा है अपना, ड्रोन वगैरह जैसा होता है, सो अपन ड्रोन से अपन इसके ऊपर से एक फ़ोटो क्लिक करिए तो ऊपर से तो ऐसे ही दिखेगा, है ना। बस यही है इसमें, जैसे कबर्ड के अंदर सामने से अपन देखेंगे फ्रॉम द फ्रंट तो ये ऐसा दिखेगा, अगर अपन एक साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, देन अपन अगर ऊपर से देखते हैं उसको फ्रॉम अबव तो ऐसा दिखेगा, है ना। तो बस इसके ऊपर ही अपने को एक एक्सरसाइज गिवन है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है बॉक्स, अगर ये बॉक्स को मतलब यहाँ पे ड्राइंग करके अपने को बताने का कि कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, अबव व्यू, तो ये जो दिख रहा है तीन बॉक्स, तो तीन बॉक्स दिख रहे हैं, तो ये अबव व्यू भी हो सकता है या फिर फ्रंट व्यू, दोनों भी आप लिख सकते हो, आप दोनों में से इसको कोई भी व्यू का नाम दे सकते हो, आप कोई भी लिख लिए, फ्रंट लिखिए या फिर अबाव लिखिए, पर साइड व्यू वैसे नहीं आएगा, साइड के अंदर सिर्फ एक ही बॉक्स दिख रहा है, तो साइड व्यू व्यू आएगा एक ही बॉक्स वाला, ठीक है। देन सेकंड के अंदर अपने को दिख रहा है फर्स्ट वाले में तीन डब्बे दिख रहे हैं सिर्फ, तो तीन डब्बे दिख रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा व्यू होगा, अगर आप उसको ऊपर की तरफ से देखते हैं तो वो वैसे दिखेगा, अगर अपन साइड की तरफ से देखते हैं तो अपने को दो ही डब्बे दिखेंगे, अगर अपन सामने से देखेंगे फ्रंट जैसे फ्रंट में दिखेंगे तो ये ऐसा पूरा दिखेंगे फ्रंट में इतना, है ना। वैसे ही थर्ड वाला ही है, फर्स्ट वाला आएगा साइड व्यू रहेगा, सेकंड वाला बॉक्स रहेगा फ्रंट व्यू, एंड लास्ट वाला बॉक्स रहेगा जिसमें चार डब्बे दिख रहे हैं तो वो रहेगा अबाउ, ऊपर से देखने के बाद में चारों डब्बे दिखेंगे, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था, जो जिसके बाद वाला क्वेश्चन है आपको उसके नीचे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक गिवन है, वहाँ पे आपको इसके पूरे आंसर सॉल्व करके मिल जाएंगे।